मैं बायोलॉजी लेक्चरर विक्रम वीर गंगवार MCA ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी समय पहले मेरा एक वीडियो आया था डबल फर्टिलाइजेशन का। अब मैं एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले और भी वीडियो जो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें, ठीक है ना। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, या इसको हिंदी में लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दें, लिंग सहलग्न लक्षण क्या है। ये जो यहां लिंग है, इसका मतलब लिंग गुणसूत्रों से है, ठीक, लिंग गुणसूत्रों से। ये लिखा है सह, इसका मतलब है साथ से, साथ या साथ में या साथ, और लग्न मीन्स होता है लग करके। ध्यान दीजिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लक्षण कैसे हैं। तो वे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों के सह में साथ में, लग्न मीन्स लग करके, लिंग गुणसूत्रों के साथ में लग करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं या अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर कुछ ऐसे लक्षणों के जीन भी पाए जाते हैं जो कि उनके साथ में लग करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लक्षणों को क्या बोलते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण। और इसकी आनुवंशिकता को क्या बोलते हैं, लिंग सहलग्न आनुवंशिकता, ठीक है ना, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, यानी लिंग सहलग्न आनुवंशिकता, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, लिंग सहलग्न लक्षण ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, एक्स सहलग्न लक्षण। एक्स सहलग्न। दूसरा, वाई सहलग्न लक्षण। और एक्स वाई सहलग्न लक्षण। ठीक है ना। इन्हें समझने से पहले थोड़ा और समझ लीजिए, जो पुरुष हैं देखिए, पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। ये आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, 23 जोड़ी। इनमें से क्या होता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम। बाईस जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो कि एक्स वाई होते हैं। ये पुरुषों में। स्त्रियों में क्या होता है, उनमें भी 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं जो कि एक्स एक्स ही होते हैं, लेकिन
जो एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स बाई ना होकर के क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। देखिए जो लिंग सैलंग लक्षण हैं, इन लक्षणों के जीन मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि लिंग गुणसूत्रों पर, ठीक है ना, लग करके जाते हैं या लिंग गुणसूत्रों के साथ में जाते हैं, तो ऑटोसोम से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हमें केवल लिंग गुणसूत्रों से मतलब है जो कि पुरुषों में एक्स वाई होते हैं और स्त्रियों में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए हो, मान लीजिए जैसे पुरुष है, ये पुरुष में इस रोग का जीन है, तो ये लिंग गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई होते हैं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, तो इसमें ये एक्स गुणसूत्र है तो इसके असमजात खंड पर इस रोग का जीन होगा, ठीक है ना। चाहे तो वो वर्णांधता भी अगले पढ़ाऊंगा आपको। अगर स्त्री की बात करें तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। यदि लिंग संलग्न लक्षण की बात करें तो इसमें ये दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम हैं, एक पर भी इस रोग का जीन हो सकता है और दो पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिए, एक्स संलग्न लक्षण कौन से हैं। देखिए एक्स संलग्न लक्षण वे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं। ये असमजात वर्ड याद रखिएगा, असमजात, एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं या पाए जाते हैं, एक्स संलग्न लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाईसंलग्न लक्षण, बाईसंलग्न लक्षण देखिए ध्यान दें, मैंने आपको बताया था एक्स संलग्न लक्षण यानी एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर, ठीक है ना, पाए जाते हैं तो एक्स संलग्न लक्षण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है ना, वर्णांधता, इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया, ठीक है ना, हीमोफीलिया। अब हम बाई संलग्न लक्षण के बारे में समझते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बाई संलग्न लक्षण क्या है, वे लक्षण जिनके जीन्स बाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं, यानी बाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, बाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है ना, हाइपर ट्राइकोसिस, इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके कानों पर या कान के ऊपर लंबे लंबे बाल जो हैं वो निकल आते हैं, तो वही इसका लक्षण है, ठीक है ना, वही हाइपर ट्राइकोसिस है, कानों पर लंबे लंबे बालों का होना, ठीक है ना। ये केवल पुरुषों में होता है, बाई संलग्न लक्षण केवल पुरुषों में होता है, क्योंकि आप समझदार हैं, बाई गुणसूत्र केवल पुरुषों में होता है, ठीक है ना, बाई लिंग गुणसूत्र केवल पुरुषों में होता है, स्त्री में नहीं होता है, तो ये लक्षण स्त्री में नहीं हो सकते। बात रही, नेक्स्ट है एक्स बाई संलग्न लक्षण, एक्स बाई संलग्न लक्षण, तो देखें इसमें एक्स और बाई दोनों गुणसूत्र लिखे हुए हैं, तो वे लक्षण जिनके जीन
एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें असमजात खंड थे, इसमें देखें आप समजात खंडों, समजात खंड लिखेंगे, समजात खंडों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। एक्स वाई, ठीक है ना, सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। इसके एग्जांपल देखें, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इसको हिंदी में पूर्ण वर्णांधता कहते हैं, या फिर नेफ्राइटिस, ठीक है ना, नेफ्राइटिस। अब हम एक्स सहलग्न लक्षण, ठीक है ना, के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, एक्स सहलग्न लक्षणों के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो हम वर्णांधता के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, देखिए वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, यह एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है या भेद नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ठीक, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो कभी रेलवे के ड्राइवर नहीं बन सकते, अच्छे डिजाइनर या कलाकार नहीं बन सकते, या फिर पायलट आदि नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये वर्णांधता जो है वो किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, या इसकी वंशागति कैसे होती है, उसको समझिएगा। वर्णांधता की वंशागति, देखें, यदि इससे पहले इसको समझने से पहले थोड़ा और समझ लीजिए, सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। यदि मान लीजिए पुरुष रोगी है या वर्णांध पुरुष, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो एक्स गुणसूत्र है इस पर इस रोग का जीन है, वर्णांधता का जीन है, ठीक है, ठीक है, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, इसलिए हमने यहां पर सी लिख दिया। आपको पहले से ही पता है कि वर्णांधता का जीन जो है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है, इसके असमजात खंड पर। तो रोगी पुरुष या वर्णांध पुरुष को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बात रही स्त्रियों की, तो सामान्य स्त्री इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और बाहक स्त्री, बाहक स्त्री को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, एक्स एक्स ये गुणसूत्र हैं और इनमें से एक पर वर्णांधता का जीन आ जाएगा, एक गुणसूत्र पर, ठीक है ना, तो ये बाहक स्त्री हो गई। वर्णांध स्त्री की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें
ये एक्स एक्स जो है ठीक, इन दोनों पर इस वर्णांतता का जीन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, दोनों पर वर्णांतता का जीन आ जाएगा, तो ये वर्णांत स्त्री होगी इस तरह से। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सामान्य पुरुष का विवाह, सामान्य पुरुष का विवाह एक ऐसी स्त्री से कर दिया जाए जो कि इस रोग की बाहक हो, यानी बाहक स्त्री से कर दिया जाए, तो सामान्य पुरुष जो है वो एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई गुणसूत्र है, बाहक स्त्री को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ये सामान्य पुरुष। यदि सामान्य पुरुष का विवाह बाहक स्त्री से कर दिया जाता है तो देखिए इस तरह से ये देखिए, सामान्य पुरुष का विवाह बाहक स्त्री से करने पर उसकी जो संतानें होंगी उनमें से जितनी पुत्रियां हैं, ये ध्यान दें, इन पुत्रियों में से 50% रोग की बाहक होंगी और 50% पुत्रियां कैसी होंगी, सामान्य होंगी। पुत्रों की अगर हम बात करें, जितने भी पुत्र हैं उनमें से 50% पुत्र बिल्कुल सामान्य होंगे और 50% पुत्र कैसे होंगे, वर्णांध होंगे यानी रोगी होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दें, पुत्रों में से 50% पुत्र कैसे हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। यदि मान लीजिए सामान्य पुरुष की जगह वर्णांध पुरुष, ठीक है ना, यहां सामान्य पुरुष की जगह वर्णांध पुरुष कर लीजिए, या ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाएगा, सामान्य स्त्री से कर दिया जाता है, तो वर्णांध पुरुष को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और सामान्य स्त्री को इस तरह से। यदि इन दोनों का विवाह करा दिया जाए तो देखें, ये देखिए ध्यान से देखिए, जितनी भी पुत्रियां हैं यानी सभी पुत्रियां इस रोग की बाहक होंगी, ठीक है ना, और जितने भी पुत्र हैं यानी ऐसे कह सकते हैं सभी पुत्र सामान्य होंगे, ठीक है, यानी किसी वर्णांध पुरुष का विवाह यदि ऐसी स्त्री से कर दिया जाए जो कि सामान्य है तो उसकी जो संतानें हैं उनमें से जो पुत्रियां हैं वो रोग की बाहक होंगी और जो पुत्र हैं वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे, ठीक है। अब वर्णांध पुरुष यहां सामान्य स्त्री की जगह आप बाहक स्त्री कर लीजिए, बाहक स्त्री, देखिए ये वर्णांध पुरुष है, वर्णांध पुरुष है और ये बाहक स्त्री है, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए, हाँ इस कंडीशन में देखिए, जितनी पुत्रियां हैं उनमें से 50% रोगी हो जाएंगी और 50% पुत्रियां इस रोग की बाहक होंगी। ध्यान ये ध्यान रखना है आपको, पुत्रियों में से 50% पुत्रियां रोगी
और 50% इस रोग की बाहक होंगे। और जितने भी पुत्र होंगे उन पुत्रों में से 50% कैसे हो जाएंगे रोगी पुत्र यानी वर्णांत पुत्र, और 50% पुत्र कैसे होंगे सामान्य होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्णांतता जो है या ये रोग जो है इसकी वंशागति होती रहती है।